को लेकर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश को लेकर इतनी सख्ती बरती जा रही है कि अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कोटा में 64 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है और परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। देरी से पहुंचे अभ्यर्थी निराश होकर वापस लौट गए। परीक्षा केंद्र पर किस तरह से निर्देशों का पालन किया जा रहा है, हमारे संवाददाता शाकिर अली की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोटा में भी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सख्ती की गई है और 11 बजे के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पुलिस का जाप्ता जो है तैनात है और जो भी लोग 11 बजे के बाद परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं उनको वापस लौटाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के निर्देश जारी किए गए थे उसके बाद सख्ती से उसकी पालना परीक्षा केंद्रों पर की जा रही है। ये जो स्टूडेंट है ये परीक्षा देने से वंचित रह गए। 11:02 और 11:03 पर ये परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर पहुंच गए थे, लेकिन इनको प्रवेश नहीं दिया गया। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ जी। क्या कितने बजे आए थे आप? 11 बजे आए थे, आने में 1-2 मिनट लेट हो गया, इसी कारण नहीं एंट्री मिला। कहाँ से आए हो आप? गया बिहार से आए मैं। तो आपको टाइम और उसके बारे में जानकारी नहीं थी कि 11 बजे 1 घंटे पहले एंट्री होगी? नहीं, जानकारी तो नहीं थी। जानकारी तो थी लेकिन ट्रैफिक की वजह से ऑटो नहीं मिल रहा था, पर नया है पता नहीं था तो ऑटो नहीं मिल रहा था, उसी कारण लेट हो गया आने में। फिर आपने बात भी की यहाँ पे, क्या बोला उन्होंने? साफ मना कर दिए कि नहीं एंट्री नहीं मिलेगा 11 बजे के बाद। इससे बात की थी आपने? वहाँ जो स्टाफ लोग खड़े हुए थे, पुलिस लोग खड़े हुए थे, उन्हें बोले नहीं एंट्री मिलेगा। तो तैयारी की थी परीक्षा की पूरी? जी तैयारी तो किए हुए थे। आप भी और भी स्टूडेंट जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी लेट हो गए, क्या वजह हो गई, क्यों 11 बजे तक नहीं पहुंच पाए? वजह ये थी सर, ट्रैफिक में थोड़ा सा जाम वगैरह था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया आने में, 2 मिनट लेट हुए बस, 11:02 पे आ गए थे। इन्होंने कहा कि रूल बस 11 बजे से पहले का था, अब टाइम हो गया, आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो ऐसे कई परीक्षार्थी हैं, आप भी लेट हो गए, आप कहाँ से आए? सर मैं 12 से आया हूँ सर, मैं तो पर क्या आज धुन वगैरह थी ना तो आ नहीं पाया टाइम पे, बस भी थोड़ी लेट थी आज। तो आप भी लेट हो गए आने में, कहाँ से आए आप? मैं अजमेर से आया हूँ, तो मतलब 1 मिनट लेट हुए थे, ज़्यादा नहीं, फिर भी इन्होंने एंट्री नहीं दी। तो अब साल भर जो मेहनत की है? हाँ सर, मैंने इसकी तैयारी की थी, मतलब जैसे जनरल स्टडीज़ का पेपर है, इसके बाद मार्च में 2 एग्ज़ाम और होंगे, जैसे फिजिकल सब्जेक्ट्स हैं तो फिजिक्स का 2 एग्ज़ाम होंगे, तो मैं जैसे वहाँ पर बीएड वगैरह की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मतलब जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो मैं वहाँ पर रखकर इसकी तैयारी कर रहा था। तो कोई नहीं, अब छूट गया तो अब नेक्स्ट टाइम देखना पड़ेगा जब भी आएगा इसकी वैकेंसी उस हिसाब से। तो ऐसे कई परीक्षार्थी हैं जो समय पर नहीं पहुंचे और उनको फिर दाखिला जो है परीक्षा केंद्रों पर नहीं दिया गया। पुलिस का जाप्ता यहां पर तैनात है और 11 बजे जो है गेट को बंद कर दिया गया है, उसके बाद में किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मैं यहाँ पर जो मौजूद हैं पुलिसकर्मी उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। जी सब लोग चले गए अंदर, कुछ लोग रह गए बाद में आने वाले। बाद में जो लोग आए उनको प्रवेश नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। 11 हैं? निर्देश किस तरह से आए हुए? 11 बजे के बाद में कोई एंट्री नहीं थी। ये आए कुछ परीक्षार्थी बाद में भी आए? हाँ, 2-3 आए थे, 11:05 पे आए थे, उनको एंट्री नहीं दी गई। तो सख्ती जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है परीक्षा में, जिस तरह से सरकार ने नकल पर नकेल कसने की कोशिश की है, उसके साथ साथ तमाम जो नियम और जो निर्देश जारी किए गए हैं उसकी भी पालना जो है परीक्षा केंद्रों पर सख्ती से करवाई जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए नई सरकार की पहली बड़ी परीक्षा आयोजित होने जा रही है ये सफलतापूर्वक हो, और जो विद्यार्थी जिस उम्मीद के साथ में तैयारियाँ करते हैं परीक्षा केंद्रों तक पहुँचते हैं उसके नतीजे बेहतर आएँ, और जो वैकेंसी है उसके सार्थक नतीजे आएँ, और रोजगार के जो अवसर दिए जा रहे हैं वो पूरी तरह से उसका फायदा परीक्षार्थियों को मिल सके। कोटा से हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली।